Hi guys, welcome back to my channel and to a new travel vlog from Gujarat series. So फिलहाल बज रहे हैं शाम के 6 और हम लोग निकल चुके हैं अब रेलवे स्टेशन के लिए. हमारी 8 बजे की न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन है. सो वी आर ऑन द वे. बीच में ट्रेन में बहुत तेज भूख लग रही थी तो इन बिटवीन मैंने लेज और पल्पी ऑरेंज एंजॉय किया. हम टेम्पो ट्रैवलर्स यहाँ पे उतरे हैं बीच में हॉल्ट लेने के लिए और कुछ यहाँ पे हम कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे. सो ब्रेकफास्ट करने के बाद वी लेफ्ट फॉर केवड़िया वेयर स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन. हम लोग पहुंच गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये जो पीछे आपको दिख रहा है कि टिकट काउंटर है, यहाँ पे आपको टिकट्स मिलेंगी अंदर जाने के लिए और उसके साथ में ही है बस. तो यहाँ से आपको बस लेनी पड़ती है एंड वो बस आपको लेके जाती है स्टैचू ऑफ यूनिटी. सो ये है पिकअप पॉइंट्स और यहाँ पे खड़ी हैं बसेस. ये बसेस ही आपको लेके जाएंगी स्टैचू ऑफ यूनिटी में. तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे हमें बस ने ड्रॉप करा था जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाहर का है. अब स्टैचू ऑफ यूनिटी में जाने के लिए भी एक अलग लंबा प्रोसेस है जो कि आप चाहें तो ई रिक्शा से भी जा सकते हैं या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं. एंड एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ई रिक्शा यहाँ पर लेडी ड्राइव करती हैं. सो आर्ट गैलरी में जाने का जो पैसेज है वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस है एंड यहाँ पे आपको जगह जगह पे एस्केलेटर्स भी मिल जाएंगे सो दैट यू डोंट हैव टू वॉक मच. एंड अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीज़न है तो उनके लिए गोल्फ कार्ट भी है. ये लाइन है आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम में जाने के लिए. सो द टोटल हाइट ऑफ दिस स्टैचू इज 182 meters विच इज 597 feet एंड दिस इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू. सो नाउ वी आर इनसाइड सरदार वल्लभ भाई पटेल आर्ट गैलरी एंड द व्यूइंग म्यूजियम एंड इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड द स्टोरी अबाउट हिज लाइफ अबाउट हिज जर्नी इज एक्सप्लेन हेयर इन डिफरेंट फॉर्मैट्स इन वाया इमेजेस इन पैराग्राफ्स. सो यू कैन लर्न मोर एंड मोर अबाउट हिज लाइफ एंड हिज जर्नी. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज नोन एज लॉ पुरुष मैन ऑफ एक्शन.
सो दिस इज द लाइन फॉर द लिफ्ट एट द टॉप ऑफ द स्टैचू. So now we are going at the top of the Statue of Unity via lift, and this viewing deck is at 45th floor, which is present inside the heart of the Sardar Vallabhbhai Patel statue, and it offers amazing panoramic views of Sardar Sarovar Dam. बहुत ही beautiful जगह है यहाँ पे. Statue of Unity से आसपास का area कैसा दिखता है, you can just enjoy. So the Statue of Unity is built on the banks of Narmada Dam, which was a dream project of Sardar Patel. सो लेज़र शो फिनिश होने के बाद हम लोग निकल गए थे, एंड दिस इज़ द नाइट व्यू आउटसाइड स्टैचू ऑफ यूनिटी. बहुत ही ब्यूटीफुल है. एंड कल हम लोग जाएंगे जंगल सफारी एंड बोटिंग में. सो स्टे ट्यून टू माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.